गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आ रही हूँ फाइनली एक और वीडियो खान सर का। और ये वीडियो की रिक्वेस्ट काफी टाइम से आ रही थी मुझे, और भी आप लोग की रिक्वेस्ट है, तो सारी वीडियोस आएंगी। बस धीरे धीरे नहीं, मैं फास्ट फास्ट लेकर आने की कोशिश करूंगी। लेकिन घर पे थोड़ा सा जो है ना, मम्मी का मेडिकल का थोड़ा चल रहा है हॉस्पिटल के चक्कर, तो वो किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी, जिस वजह से मैं थोड़ा सा उधर बिजी हो जा रही हूँ। सो आप लोगों से कहीं वो वाले भी वीडियोस कहीं मिस ना हो जाए, तो जल्दी से चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को कौन से वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, बस फॉलो जरूर कर लेना और कर लेना, ठीक है? तो चलिए जी, चलते हैं हम लोग वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए, चाइना ने गलवान घाटी में जब कोरोना फैला दिया, भारत इधर अपनी मेडिकल सुविधा को बढ़ाने में परेशान था कोरोना को लेकर, उधर वो गलवान में बड़ा नौटंकी किया। खैर, वो तो मैटर सॉल्व हो गया। अभी भारत ने चाइना की दुखती नस को दबा दिया। अगर आप पहले से देख रहे होंगे हमारे वीडियोस क्लासेस को पहले से, तो हम हमेशा इस बात पे जोर दिए कि भारत को खास करके साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, इन सारे देशों में ब्रह्मोस मिसाइल को देना चाहिए। खास करके मेरा जोर वियतनाम पर रहता था, लेकिन भारत सरकार ने बात को बहुत अच्छी से इस गहराई से लिया और भारत सरकार ने पहला ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट चालू कर दिया, और वो दिया गया फिलीपीन को। फिलीपीन के साथ चीन का बड़ा पुराना विवाद है। यहाँ पर स्प्रेटले आइलैंड और पारासेल द्वीप जो दक्षिणी चीन सागर में, चाइना कहता है मेरा है, फिलीपीन कहता है मेरा, दोनों में विवाद है। अभी फिलीपीन को भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल को मुहैया करा दिया है। ये मिसाइल अभी दुनिया में सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। सारे चीजों को बताएंगे, अभी समझिए। 1999 में जब करगिल की लड़ाई हुई, तो एक ऐसी मिसाइल की जरूरत महसूस की गई जो अपना पाथ को जरूरत के हिसाब से बैंड कर सके, क्योंकि पहाड़ी उस पार से फायरिंग आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आधारशिला रखी गई 1999 में भारत और रूस के बीच में। भारत की ब्रह्मोस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म लिया गया है, और रूस की मोस्कवा नदी से मोस ले लिया गया, तो ब्रह्मोस मिसाइल बना दी गई है। 2001 में इसका पहला ट्रायल मतलब टेस्ट किया गया, 2006 से इसे पूरी तरह से भारतीय सेना में कंडक्ट कर लिया गया। उसके बाद से और आज तक इसके कई सारे सुधार हुए हैं, कई सारे वर्जन आए गए हैं, और उसमें और ज्यादा घातक और एडवांस बनाया गया इस मिसाइल को। इस मिसाइल की कई खासियत है, उसे हम समझ जाते हैं। इसे कई जगहों से आप फायर कर सकते हैं। ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक उसे कहते हैं जो आवाज की रफ्तार से भी तेज चलता है। इसके 3.5 मेक का है। 3.5 मेक का मतलब होता है ध्वनि की चाल से 3.5 गुना। 1 मेक मतलब ध्वनि की चाल के बराबर, 2 मेक मतलब 2 गुना, 3 मेक मतलब 3 गुना। ये 3.5 मेक है, यानी लगभग 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1.25 किलोमीटर निकल जाता है, इतनी तेज रफ्तार का है। ये रैमजेट इंजन पे काम करता है। रैमजेट इंजन अभी समझाएंगे। ये एक ऐसा इंजन होता है ना जिसे तेज हवाओं की जरूरत होती है। ये आगे से बहुत तेज हवाओं को लेता है और पीछे छोड़ने के लिए पतला रास्ता रहता है, इसलिए जब हवाओं को लेने के बाद पीछे छोड़ता है तो अपने से आगे ढकला जाता है। ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कभी भी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती है। क्रूज मिसाइल हमेशा नीचे नीचे ऊंचाई पर जाते हैं। ये 4 मीटर, सॉरी मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन मैं बातें भूल जाती हूँ बताना, जो मैं वीडियो में नोटिस करती हूँ, ठीक है? जब खान सर कोई भी वीडियो एक्सप्लेन करते हैं या कुछ भी बात एक्सप्लेन करें, तो खुद फिजिकली वैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अभी जैसे वो बताया कि वो पीछे से जो है ना थोड़ा धुआं छोड़ता है, वो ऐसे करके पूरा बता रहे हैं, तो ये चीज में मुझे कभी कभी स्माइल आ जाती है, लेकिन अच्छा भी लगता है देखकर, ठीक है? कंटिन्यू। दरअसल जी, 4 मीटर एक छत की ऊंचाई होती है, एक तल्ला 4 मीटर का। उतनी ऊंचाई से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जाता है। अमूमन ये 50 मीटर की ऊंचाई पर निकलता है, इसलिए दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता है, इसलिए इसे पेड़ वाली मिसाइल या ट्री मिसाइल कहते हैं। ये बहुत ही घातक हो जाता है। इसका रेंज 290 किलोमीटर भी है, क्योंकि जब हम लोग MTCR के सदस्य नहीं थे, तो जो देश MTCR का सदस्य नहीं रहता है, उन देशों को 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें खरीदने और बेचने पर रोक रहता है। इसलिए दिमाग लगाते हुए हम लोगों ने इसकी शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर रखी थी। फिर हम लोग जल्दी MTCR के सदस्य बन गए। चाइना अभी उसका है नहीं, तो हम लोग कितनी भी मारक क्षमता का बना सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास 650 किलोमीटर मारक क्षमता का ऑलरेडी है, टेस्ट करके एकदम फुल टू रेडी सेना को हैंड ओवर किया जा चुका है। 800 किलोमीटर वाले पे वर्क चल रहा है। जो बेचने की बात चल रही है वो 290 किलोमीटर वाला है। चाइना के लिए यही बहुत है। यहाँ ये कई तरह से हमला कर सकता है। ये जमीन से हमला कर सकता है, जमीन से कहीं पर भी मारा जा सकता है। इसे किसी भी शिप से मारा जा सकता है। अब शिप में भी 2 तरह से होते हैं। एक वर्टिकल लॉन्च होता है। वर्टिकल लॉन्च से फायदा ये होता है कि इसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं।
अब वर्टिकल लॉन्च एक होता है हॉरिजॉन्टल लॉन्च सीधे लॉन्च करने के, भाई ये उड़ने के बाद अपना पाथ को बदल लेता है ताकि नीचे रह जाए, रडार के पकड़ में नहीं आए। इसे सुखोई जहाज द्वारा इसके एयर वर्जन को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, अब ये हवाई हमले पे भी कर सकता है। सबसे घातक इसे तब बना दिया जाता है जब इसे सबमरीन से लॉन्च कर दिया जाता है। पनडुब्बी यानी सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सबमरीन जिसे यू बोट्स कहा जाता था, अमेरिकी नौसेना के बेड़े में खलबली मचा दिया था। ये यू बोट्स जो होते हैं यानी सबमरीन समुद्र के अंदर रहते हैं और ये अंदर अंदर मिसाइलों को मार देते हैं, पता भी नहीं चलता है कहां से मिसाइल बाहर निकल गया। तो इसे समुद्र के मतलब पनडुब्बी से भी इसे मारकर परीक्षण किया जा चुका है। अब पता ही नहीं चलेगा कि कहां सबमरीन है, अंदर से अचानक मिसाइल आएगा मार के चला जाएगा। इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि इसे पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन यूज किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए दुश्मन का यहाँ पे जमावड़ा है, यहाँ पता है बहुत सारे दुश्मन है, अब मिसाइल आप कोई भी मारेंगे तो मिसाइल सीधे जाती है इस तरह से, बट दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल है, यहाँ से मारिएगा तो यहाँ से 80 डिग्री के एंगल पे ये नीचे घूम जाएगा। अब ये लोग आराम कर रहे थे कि यहाँ कोई कैसे मारेगा, खास करके हमारा कश्मीर से जो एरिया है, चाहे वो पाकिस्तान से लगता है या चाइना से लगता है, वहां पर ये समस्या बड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। चाइना कह रहा था ना कि मतलब हम आप देखे होंगे चाइना ने जो वीडियो बताया था कि कैसे उन लोग को भारतीय सेना ने थूर दिया, उसमें भी दिखा होगा आपको पहाड़ी एरिया, तो ये मिसाइल है 80 डिग्री पे घूम सकती है, यानी आप इसे कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र, कहीं पे भी इस्तेमाल कीजिए, एक बार निकलेगा तो थूर के ही लौटेगा। भारत और चीन सीमा का जो एरिया है वहां पहाड़ी क्षेत्र और वो पहाड़ों का ढाल 80 डिग्री तक में है, तो उस साइड जब दुश्मन छुप जाते थे तो दिखाई नहीं पड़ता था। अब यहां से दुश्मन अगर दूसरी चोटी की ओर है तो वहां पर मिसाइल हमले का कोई खास असर नहीं करता था, तो इस वजह से जो ब्रह्मोस मिसाइल है अगर उसको यहां से अटैक किया जाएगा तो आएगी सीधे और वो यहां से वो भी मिसाइल जो है वो नीचे की ओर ऐसे घूम सकती है। तो पहाड़ी एरिया में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुश्मन के अंदर छुपे वाले एरिया में, अब जैसे इस और घाटी जो ये गहरी घाटी है इसमें भी ऐसे डाउन हमला कर सकती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, खास करके इस तरह के पहाड़ी और दुर्गम दर्रों वाली क्षेत्र में और ज्यादा घातक हो जाती है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। जब ब्रह्मोस मिसाइल मारी जाती है तो इसके रास्ते जो होते हैं फ्लाइंग पीरियड उसे दो भाग में बांटते हैं, एक शुरुआती वाला होता है जिसे मिड कोर्स कहते हैं, जब ये अपनी मतलब टारगेट की ओर बढ़ रहा होता है, उसके बाद टर्मिनल फेज होता है। शुरुआत में जैसे मान के चलिए 300 किलोमीटर मारना है तो शुरुआत में तो ये पता चल जाता है ना कि मारना किस एरिया में, जैसे मान के चलिए कि हमको लाहौर के पास या फिर बीजिंग के पास हमला करना है तो पहले मिसाइल को बीजिंग तक पहुंचाइए, तो उसके बाद वो अपना एक्यूरेसी को ध्यान रख लेगा। तो जब वो अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो उसे मिड कोर्स कहते हैं। इस दौरान इसे रडार द्वारा रास्ता दिखाया जाता है कि भैया दाहिने बाएं ऊंचा नीचा इधर पहुंच जाओ। उसके बाद जब वो टारगेट के करीब पहुंचता है तो उसे कहते हैं टर्मिनल फेज, मतलब अब इसी में इसे टर्मिनेट कर देना है, टर्मिनल फेज। इस टर्मिनल फेज में इस मिसाइल का आगे जो ऑनबोर्ड इसका नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है, मिसाइल का अगला भाग जो थूथूर होता है ना, इसमें ऑनबोर्ड उसे कहते हैं जब कोई चीज उड़ने वाली चीज में फिट कर दिया जाता है, ऑनबोर्ड कैमरा, ऑनबोर्ड मेंबर, मतलब जो सब लोग उड़ रहे हैं लोग साथ में, तो ऑनबोर्ड रडार जो होता है इसमें सिग्नल छोड़ता है और रडार से इन्हें पकड़ लेता है आराम से। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर ये भाग भी रहा है, भागते भागते अगर इस रडार के से दूर भी भाग गया तो इसका ऑनबोर्ड रडार इसे पकड़ के फिर उसे ब्लास्ट करके गिरा देता है। इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। रैमजेट इंजन एक स्पेशल टाइप का इंजन है जिसके आगे का एरिया खुला होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो हवाओं को सक कर सके, चूस सके, और पीछे पतले रास्ते से फेंकता है जिससे उसे थ्रस्ट मिलता है। इसके आगे एक कवर लगाया गया रहता है जिसे हम लोग नोज कैप कहते हैं। ये उस समय तक अपने अंदर जो रैमजेट इंजन लगा हुआ है उसे प्रोटेक्शन देता है जब मिसाइल फायर नहीं की गई रहती है, खड़ी की गई रहती है, क्योंकि आगे का एरिया को प्रोटेक्शन देना जरूरी है, वरना इसमें धूल कण या कुछ भी पार्टिकल अटक सकता है और रैमजेट इंजन काम करना छोड़ सकता है। तो ये आगे का कैप होता है। जब कभी भी मिसाइल को फायर किया जाता है तो जब मिसाइल उड़ती है तो इसका कैप देखिए बाहर हट जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जब मिसाइलों को पहले ही पूरी बॉडी को कवर करके रखा जाता है। देखिए ये कैनिस्टर में पूरी बॉडी को कवर करके रखा है तो इसमें ना वो कैप लगाने की जरूरत नहीं, देखिए तो बाहर निकल रहा है इसे थूथू झांक रहा है तब इसका इसे खुला हुआ है, कैप लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन कैप इसलिए लगाया जाता है कि इंजन क्या करे सॉफ्ट रह सके, सेफ रह सके, ये इसे हम लोग कहते हैं नोज कैप। इस रैमजेट इंजन की सबसे बड़ी खराबी होती है ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है, पहले तो इसको हाई स्पीड चाहिए, इसमें बहुत तेजी से हवाएं आएंगी और ये हवाएं जब अंदर घुस के पीछे से निकलेंगी तभी यह स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज में चालू नहीं होगा। तो भैया इसको उतना हाई स्पीड देगा कौन, तो इसके लिए इसके पीछे एक सॉलिड इंजन लगा दिया जाता है। सॉलिड इंजन वैसे होता है जैसे दिवाली का रॉकेट होता है, मारेंगे माचिस धड़ाम से उड़ा ले जाता है, वैसे ये दिवाली के रॉकेट, अब इसमें माचिस थोड़े मारिएगा, अजीब तो समझदार है आप लोग,
ये यहां रहता है सॉलिड इंजन, ये सॉलिड इंजन इसको बहुत तेज ढकेलता है, बहुत तेज ढकेलता है। अब जैसे ये ढकेलेगा आगे का ये थुतुर खुल जाएगा। अब यहां देखेंगे तो यहां इतना बड़ा इसका खोल है, मुंह है, इसमें हवाएं तेजी से आती हैं, हवाएं तेजी से आती हैं। अब पीछे निकलने का यहाँ छोटा सा जगह दिया गया है, हल्का सा। अब भाई घुसने का तो हवाएं घुस गई, निकलने का जगह ही नहीं है। निकलेंगी तो इसको धड़ाम से आगे की ओर ढकेलेगी। बीच वाले हिस्सा में रहता है लिक्विड फ्यूल। तो ये दो तरह के स्टेज पे चलता है। पहला स्टेज केवल इसे प्रारंभिक लिफ्ट देता है ताकि रैमजेट इंजन को स्टार्ट किया जा सके। अब काम चालू होता है रैमजेट इंजन का, जो जो लिक्विड फ्यूल पर काम करता है। देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल का अंदर का सीन है। यहाँ अंदर देखेंगे ये बाहर से खोल है, यहाँ पर ये सॉलिड इंजन है, यहाँ पर इसका लगा हुआ है ये क्या नाम है रैमजेट इंजन। ये आगे वाला हिस्सा ये केवल लड़ाई के काम में आता है। ये ब्लैक वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये तो कैप लगा हुआ है। ब्लू वाला हिस्सा में नेविगेशन सिस्टम वगैरह है। यहाँ देखिए ये जो है ब्लैक वाला हिस्सा, इसमें रडार वगैरह है। ये कैप नहीं, कैप तो निकल जाता है बाहर वहां पे। ये रडार है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम है, पीछे में बारूद भरा हुआ था, यही है वारहेड। ये बीच वाला हिस्सा जो है रेड वाला देख रहे हैं, ये वारहेड। बाकी का जितना मिसाइल है, जितना परसेंट, ये तो केवल उसे ले जाने का काम करता है। ये आगे वाला हिस्सा रास्ता दिखाने का काम करता है। बीच का ये जो हिस्सा है यही मेन तबाही लाता है, जिसे हम विस्फोटक एक्सप्लोसिव कहते हैं। अब ये काम कैसे करेगा? तो भाई पहला स्टार्ट तो हो गया इसका, फर्स्ट फेज सॉलिड इंजन, ये ढकेलेगा, आगे का कैप फट जाएगा, हवा अंदर घुसेगी, निकलने का बहुत पतला रास्ता इसलिए ढकेलेगी। लेकिन केवल हवा के ढकेलने से ये नहीं जा सकता है। अब इसका मेन प्रिंसिपल समझिए। देखिए ये है हमारा रैमजेट इंजन। यहां अगर आप ध्यान देंगे तो आगे से ये हवाओं के घुसने का रास्ता है, यहां से हवा घुस जाती है। जैसे हवा अंदर जाती है, यहां पर एक फ्यूल होता है, फ्यूल फ्यूल क्या करता है, मिक्स कर दिया जाता है, उसमें फुहारा मारा जाता है, एक नोजल होता है जो उसमें फुहारा, जैसे बचपन में लड़का पानी पीकर ऐसे मारता है तो बूंद बूंद बन जाता है पानी, ये उसका है, फ्यूल का है, जो लिक्विड फ्यूल है वहां पर। तो हवाएं इसमें अंदर तो चली गई, और अंदर इतनी स्पीड से गई है, इतनी स्पीड से, तो स्पीड भी बहुत है, हाई प्रेशर हो गया है, और इसी में क्या मिला दिया गया है, फ्यूल मिला दिया गया है। अब ये हवाएं केवल हवा नहीं रह गई है, उसके अंदर फ्यूल है। जैसे ये आगे बढ़ती है ताकि इधर पीछे से निकल जाए, यहां तो फ्यूल मिला दिया गया, आगे बढ़ती है निकल जाए, तो यहाँ जाली नुमा देख रहे हैं, इसमें लगा होता है स्पार्क पर, उस सुरंगवाई चिंगारी मार देता है। अब यही हो गया बवाल। एक तो हवाएं घुसी थी बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा हवाएं घुसी थी, उसमें से रास्ता पतला और उसमें मिला दिया फ्यूल। अब ये हवा सोच रही हम निकले तो ये इधर निकलेगा तो अपने इधर फेंक देगा, और उस पे से यहां लग गया स्पार्क, यहां लग गया आग। आग लगने के बाद हवाओं का इतना भयानक प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर इतना भयानक होता है, इधर से निकलती है मिसाइल को आगे बहुत तेज से लेके चली जाती। यही प्रिंसिपल होता है रैमजेट इंजन का, कि पहले तो जहाज या किसी भी मिसाइल को, मतलब मेनली ये मिसाइलें में यूज होता है या फिर लड़ाकू जहाज में यूज होता है, पैसेंजर वाले में यूज हो जाएगा, रैमजेट इंजन जहाज ही उड़ जाएगा। जब हम छोटे थे तो भारत का MiG-21 जहाज देखते थे तो हमको लगता था कि इंजीनियरों से एक बहुत बड़ा गलती हो गया, इसको बनाया कैसे है, यहाँ इस तरह से खोखला बना दिया, इसमें इस तरह से ये निकाला है, इसमें तो हवाओं को टकराएंगी तो जहाज तो चल ही नहीं पाएगा, ये तो हवाओं को रोकेगा, इसको एकदम चोख बनाना चाहिए था। बाद में पता चला ये तो रैमजेट इंजन है, ये भी सेम सिस्टम पे काम करेगा, रैमजेट इंजन है। जब जहाज का प्रारंभिक इंजन इसे ढकेल के ऊपर ले जाएगा तब रैमजेट इंजन चालू होगा, तो यहाँ बहुत तेजी से हवाएं इसके अंदर घुसेंगी, अंदर हवाएं जैसे घुसेंगी यहाँ पे अंदर जाएंगी, यहाँ पर तो यहाँ पे मिला दिया जाएगा इसमें फ्यूल, फ्यूल टैंक से इसमें फ्यूल ईंधन मिला दिया जाएगा, ईंधन को स्प्रे करके मिला जाता है, पानी की तो धक 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 नहीं फेंका जाता, स्प्रे करके मिला जाता है तो अच्छे से आग लग सके एक ही बार में, यहाँ स्प्रे में स्प्रे हो जाएगा, आगे जाएगा कंबशन चैम्बर में आग लग जाएगा। अब आग लगेगा तो निकलेगा धुआं पीछे और जहाज जाएगी आगे, यही होता है रैमजेट। रैमजेट की सबसे बड़ी खराबी है, ससुरा को चलाने के लिए पहले कोई एक्स्ट्रा इंजन चाहिए जो उतना स्पीड दे सके ताकि रैमजेट हवाओं को सक करके आग लगा के आगे बढ़ा सके। यहाँ आप पूरा डिजाइन समझिए, ये रैमजेट इंजन के सक करने के लिए इसका माउथ वाला हिस्सा यहाँ से एंट्री करेगा, ये शुरुआत का एरिया जो है ये यहाँ पर लगा होगा नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एक्सप्लोसिव। हवाएं जो जाती हैं वो इसके साइड से जाएंगी, हवाएं जाएंगी इसके साइड से ऐसे, और यहाँ जैसे जाएंगी हवाएं यहाँ पर उसमें फ्यूल मिला दिया जाएगा, यहाँ फ्यूल मिल जाएगा, उसके पीछे जैसे जाएंगी तो यहाँ पे रहेगा स्पार्क प्लग, यहाँ पे आग लगा दे, आग लग जाएगा और मिसाइल आगे बढ़ने लगेगी। शुरुआती से थ्रस्ट इसके पीछे का सॉलिड इंजन देता है, सॉलिड इंजन, और ये आगे बढ़ेंगे जहाँ लास्ट में टकराएगा यही वाला हिस्सा, ब्लास्ट कर जाता है एक्सप्लोजिव। रास्ते में इसका डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है, जिस तरह पक्षियों के पंख होते हैं, इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है,
जहाज में भी होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वैसे ही मिसाइलों में भी होता है। यहाँ देखिए ये जो इसके विंग्स हैं ये इसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं, डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अतः अगर मान के चलिए मार दिए मूविंग एरिया में है तो ये अपने से इसके आगे रडार लगा हुआ है, ऑनबोर्ड रडार, अगर जहाज इधर उधर भागेगी या टारगेट भागेगा ना तो दौड़ा के फोड़ देगा इसको। लेकिन कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनमें ये आगे रडार नहीं लगा होता है या विंग्स वगैरह उतना मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी मिसाइलों को मार के कहा जाता है कि अब आप इसे गाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसी मिसाइलों को कहा जाता है मारो और भूल जाओ, मतलब दागो और भूल जाओ, उसको मतलब बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, इस टाइप का मिसाइल, दागो और भूल जाओ मिसाइल। जैसे नाग मिसाइल चेंज नहीं कर सकते उसका रास्ता, तो मार के भूल जाइए लगा कि नहीं लगा इसे मतलब नहीं होता है। यह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल के टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना चाहता है, इसमें भारत ना एक ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस एनजी डेवलप कर रहा है। यह साइज में बड़ा छोटा होगा और हल्का होगा और थोड़ा सा रेंज कम होगा, लेकिन मेन लड़ाई में यही काम आएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि बड़ी मिसाइलें 100 पीस बन के रह सकती हैं। तो भाई साहब जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि 100 पीस बन के रह सकती है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ब्रह्मोस एनजी जो है ये छोटा होगा नेक्स्ट जनरेशन का, सबसे घातक होगा ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक बनाया जाएगा, ये दुनिया की फर्स्ट, अभी भी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है, मतलब जो नीचे नीचे जाती है, और दुनिया की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसकी है 1 मीटर, मतलब अगर हम 600 किलोमीटर दूर से मारेंगे ना तो 1 मीटर आगे पीछे हो सकता है। मान के चलिए 600 किलोमीटर दूर यहां से हम अभी बैठे हैं पटना में, और यहां से अगर कोई लखनऊ से हमारे ऊपर निशाना बनाया ना, यहां से 600 किलोमीटर है वहां से, तो हमारे ऊपर निशाना बनाया तो केवल 1 मीटर की डिफरेंस हो सकता है। मान के चलिए मेरे माथा पे बनाया तो मेरे पैर पे लग सकता है, इतना जबरदस्त इसकी एक्यूरेसी है। और हाई जब बन जाएगा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक तब तो बहुत जबरदस्त तबाही लाएगा। भारत 1962 का बदला जरूर लेगा, लेकिन कहा जाता है कि बहादुरी और बेवकूफी में यह अंतर होना चाहिए, तो हम लोग धीरे धीरे अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा ले। 1962 का बदला तो साला लेके रहेंगे हम लोग, तो ये डेवलप हो रहा है। अब धीरे धीरे ब्रह्मोस को और एडवांस किया जा रहा है, आने वाला जो ब्रह्मोस है वो बहुत हल्का हो रहा है और रेंज भी बढ़ रहा है, जबकि 2006 या 2010 का ब्रह्मोस देखेंगे तो बड़ा भी था साइज में और रेंज भी कम था। तो भारत सोच रहा है कि उस सब मिसाइलों को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, वियतनाम को, इधर जापान, कोरिया, इस सबको दे दिया जाए, ले तुम लोग यहाँ पे रहो, EMI पे ले जाओ, ले ही जाओ, सोच रहा पुराना हो गया वैसे। और भारत जो अभी बना रहा है वो हल्का भी है, छोटा भी है, और घातक और दूर तक भी मार रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन DRDO के वैज्ञानिकों ने काम किया, ऐसे वैज्ञानिकों को नमन। चाइना का एक और सरदर्द हो गया कि या हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, ये मॉरिशस में भारतीय नौसेना अपना अड्डा को बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। अब चाइना को लगता है कि भैया हम यहाँ से हिंद महासागर से नीचे से जाएंगे, अफ्रीका वाले एरिया में रहेंगे, यहाँ से भी अब भारतीय नौसेना यहाँ बढ़ रही है, तो हिंद महासागर में चाइना को जो बार बार थोड़ा सा हिंद महासागर में भी उल्टा सीधा काम करता है, तो इस एरिया में तो हम लोग की मुख्य भूमि ही बहुत है, नीचे करेगा तो इधर से ठोका जाएगा यहाँ पे, तो दोनों ओर से उसे घेरा जा रहा है चाइना को। आई होप आप ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझे होंगे, कुछ दिन से वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया था, एक्चुअली देखो भाई पटना का क्लास खुल गया है तो क्लास रहता है तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, और बैचेज वगैरह भी ज़्यादा हो गए हैं। अब सॉरी आप लोग को कि जो हिस्ट्री का बैच आया या बायोलॉजी का बैच आया भर भी गया, हम यूट्यूब पे आके अनाउंस भी नहीं कर पाए, एक्चुअली जो लड़के पहले से एप्लीकेशन पे थे उन्हीं से बैच भर गया, इसलिए थोड़ा सा सॉरी आप लोग के लिए। हाँ, और अभी ना मंगलवार से 16 तारीख को मानचित्र का नया बैच है 6:00 PM, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, और जब तक सर्वर में जगह रहेगा तब तक उसका भी एडमिशन चालू रहेगा। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया केसी थॉमस को बोला जाता है, और के सिवान जो है वो रॉकेट मैन है, क्योंकि वो तो इसरो के हैं, वो रॉकेट मिसाइल से तो उनका रिलेशन मतलब वो मिसाइल और रॉकेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। आई होप आप इसे समझेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। ओके, जैसा खान सर बोलते हैं, ठीक है, संदीप महेश्वरी के शो में, कि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चा भूल ही नहीं सकता, अब वो बच्चा क्या बड़ा भी नहीं भूल सकता है। सच में इतनी अच्छी टीचिंग स्किल्स हैं इनकी, इतनी अच्छी टीचिंग स्किल्स हैं कि कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल्स में इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो ना ये नहीं देखते हैं कि मुझे मेरी जो है ना लैंग्वेज के ऊपर इस तरीके से काम करना चाहिए या ये करना चाहिए, नहीं, वो लोकल लैंग्वेज में ही इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चा भी जो है ना उस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि हम लोग को बच्चों को अगर कुछ सिखाना है, ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, ऐसे ही करेंगे,
ऐसा नहीं, वो उस तरीके से समझाते कि हर एक चीज को समझ में है। और वो सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है। एंड बेस्ट 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 बेस्ट, इतने ज्यादा डिटेल्स, ओ माय गॉड क्या बात है, मजा ही आ गया, ठीक है। एंड आप लोगों के थ्रू जो है ना, मुझे भी मेरी नॉलेज जो है ना बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो उसके लिए रियली थैंक यू सो मच गाइज। तो यस, वीडियो खत्म करते हैं। होपफुली आप लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई है, तो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफकोर्स खान सर के स्टूडेंट्स के साथ में भी, और जिनको जनरल नॉलेज लेनी है उनके साथ में भी, ठीक है। एंड यहाँ तक देख लिया है तो हमेशा बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेजना शुरू कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू गाइज, टाटा बाय बाय।